नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर सीधा कर लेते हैं। विदेशी बाजार से अगर देखें, एसजीएक्स निफ्टी शुरुआत हरे निशान के साथ करते हुए 16,000 के पार, वहां पर अच्छी तेजी पर ट्रेड नजर आ रहा है। लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार में क्या हुआ, बिकवाली का दबाव यहां पर देखने को मिला और महंगाई का खतरा जो कि हर तरफ यहां पर काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो कि दुनिया भर के बाजारों को परेशान कर रहा है। अमेरिकन मार्केट्स में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला और महंगाई बढ़ने की खतरे या महंगाई बढ़ने की आशंकाएं थी, जिसके चलते हमने अमेरिकी बाजारों में कमजोरी के साथ कल के सत्र में ट्रेड्स देखे। चाहे फिर डाओ हो, S&P हो, नैसडैक हो, लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव भी वहां पर देखने को मिला। डाओ में हमने देखा ऊंचाई से करीब 350 अंकों की कमजोरी दिखी, नैसडैक में 1% की बिकवाली रही, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में गिरावट थी और फिलहाल डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें 50 अंकों की बढ़त वहां पर जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए, विदेशी बाजार में इन संकेतों के पीछे की वजह क्या है, ग्लोबल अपडेट्स और कौन से हैं, डेटा स्पेसिफिक कहां पर नजर होनी चाहिए और साथ ही कमोडिटीज और बुलियन मार्केट पर कैसी नजर आपको रखनी है, विस्तार से सब कुछ समझ लेते हैं पूजा त्रिपाठी से। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं आज ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, देखिए अमेरिकी बाजार दिन भर तो हरे निशान में ही कारोबार कर रहे थे, एक दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बंद होते होते फिर ऊपरी स्तरों से एक गिरावट देखने को मिली क्योंकि आज महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं उनके जून महीने के, उसके पहले थोड़ी नर्वसनेस यहाँ पर अमेरिकी बाजारों में देखने को मिली है। डाउ जोन्स करीब 190 अंक गिरकर बंद हुआ और अगर ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो करीब 350 अंकों की गिरावट के साथ डाउ जोन्स में बिकवाली देखने को मिली है। दिन भर नतीजे भी रहे थे, नतीजों का भी सीजन वहां पर चालू हो चुका है तो वहां पर भी नतीजे ठीक ठाक ही आ रहे थे, उस पर स्टॉक्स रिएक्ट भी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फिर कुछ आखिरी कुछ घंटों में यहां पर दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया और S&P 500 नैसडेक में भी हमने देखा कि कमजोरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। और सबसे ज्यादा जो गिरावट थी इस वक्त तेल के प्राइसेस जिस तरह से गिर रहे हैं, सबसे ज्यादा दबाव एनर्जी कंपनियों पर ही देखने को मिला था। आज आने वाले हैं वहां पर जून महीने के महंगाई दर और अनुमान किया है कि ये आंकड़ा 8.8% रह सकता है, यानी कि 41 महीने के ऊपरी स्तर पर महंगाई दर के आंकड़े आ सकते हैं, तो उसको लेकर थोड़ी नर्वसनेस इस वक्त बाजार में बनी हुई है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गिरावट है और अब फेड की जो बैठक होगी उसमें पूरी अगर इस तरह के आंकड़े आते हैं तो उसमें पूरी गुंजाइश है कि 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी यहाँ पर फेड ले सकता है ब्याज दरों में। इसके अलावा यूरोप के बाजार की चाल अगर देखेंगे तो वो पॉजिटिव क्लोजिंग वहाँ पर देखने को मिली। US महंगाई आंकड़ों से पहले यूरोप बाजार दायरे में ही कारोबार कर रहा था, एक कंसर्न है वहाँ पर, लेकिन एक चीज़ ये हुई कि यूरो में उनकी जो करेंसी है वहाँ पर हल्की मजबूती देखने को मिली, इस वजह से दिन भर पॉजिटिव टेरिटरी में ही यूरोप के बाजार कारोबार करते हुए नजर आए। फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स जो है वहाँ पर वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन महंगाई जो आंकड़े आने वाले हैं उसका एक नर्वसनेस यहाँ पर भी देखने को मिली यूरोप के बाजारों में। कुछ और संकेतों पर नजर डालेंगे तो कच्चा तेल देखिए, ये अब $100 के नीचे आ चुका है जो कि भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। मजबूत डॉलर जिस तरह से हम देख रहे हैं, हम उसका असर कच्चे तेल पर ही पड़ता है और अब देखिए करीब $98 के आसपास कारोबार कर रहा है। इसके अलावा 10 ईयर का जो बॉन्ड यील्ड है, US ट्रेजरी यील्ड्स, उसमें हल्की नरमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, 2007 के निचले स्तर पर पहुंच चुका था और 2.98% के आसपास, यानी कि अभी भी 3% के नीचे ही यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है महंगाई के आंकड़ों के पहले। और जो डॉलर मजबूत हुआ है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी का जो अनुमान बताया जा रहा है उसकी वजह से देखिए सोने में अभी भी वीकनेस बरकरार है, 1722 के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है, 1730 के लेवल्स के नीचे मेंटेन है। तो इस वक्त ओवरऑल जो पूरा बाजार है वो वॉच कर रहा है कि US में महंगाई दर के आंकड़े कैसे आते हैं, उसके बाद फेड उस पर किस तरह का फैसला लेता है और आने वाले समय में भारतीय बाजारों के पास वैसे तो काफी सारे फैक्टर्स हैं लेकिन इस पर आगे भारतीय रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल देखेंगे तो एशियाई बाजार इस वक्त अच्छी शुरुआत के साथ ही दिखा रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स भी ऊपर ही दिख रहे हैं हरे निशान में, लेकिन इसका असर कुछ भारतीय बाजारों में कुछ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्लियरली किस तरह के महंगाई के आंकड़े अमेरिकी बाजार से आते हुए दिखेंगे इस पर नजर होगी, उसके बाद फेड का स्टांस क्या होगा उस पर भी खास तौर से नज़र रखनी होगी और उसी के चलते हम देख रहे हैं अमेरिकन मार्केट्स रिएक्ट करते हुए। लेकिन एशियाई बाजार की जो मजबूती है अब देखना होगा, एसजेएक्स निफ्टी में इसी तरह से अगर मजबूती कायम रहती है तो फिर डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव क्यू ये ज़रूर बनता हुआ दिखे।